हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, कोई कह रहा है एवरेज का सर तीसरा पार्ट कब आ रहा है, कोई कह रहा है सेट्स एंड इंडिसेस के तीसरा पार्ट कब आ रहा है, कोई कह रहा है सन मैचुरेशन का कोई एक वीडियो बनाइए जल्दी से, कोई कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट का बनाइए। दो चार मांगे हैं, कोशिश करूँगा एक आध तो आज भर दूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर हमने हाथ फेरा है, हाथ डाला है। सिंपल इंटरेस्ट पहले ख़त्म करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस अमूमन जितने आते हैं उन सबको छूने की कोशिश की है हमने यहाँ पे, और मेरी माने कुछ ज़्यादा ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आपको आपने ना देखे। वही सात आठ पैटर्न हैं, सात आठ टाइप हैं जिनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, फरवरी के महीने में इस मंथ में लगभग 700 768, आज सुबह ही मैंने देखा, 768 लोगों ने हमें अनसब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, उनकी पसंद है, उनको नहीं लगता है कि इस चैनल से कुछ मिलेगा। थैंक यू, और थैंक यू जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, जो हम पे विश्वास दिखाते हैं, जो हमें जिन्हें जिन्हें लगता है कि यहाँ से कुछ उनको मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया जो है ना गिव एंड टेक की है, हर कोई यहाँ मतलब के लिए है। होता है, किसी से कोई शिकायतें नहीं है किसी को, हालांकि मुझे किसी से कोई शिकायतें नहीं है और लोगों का तो पता नहीं। और हमसे बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook.com/kahiedu पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता मेरे वीडियो का, तो वो सब्सक्राइब बगल में एक रिंग बेल है, उस पर क्लिक करिए, आपको ज़रूर वहाँ से अब नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बक बक कम काम ज़्यादा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं समझा दूँ, पहले ही दिमाग में आता होगा कि इसी सिंपल इंटरेस्ट है क्या, आता है ना सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, ठीक है, बैंक है जहाँ आप जाते हो 100 रुपये जमा करते हो, ठीक है, आपने 100 रुपये जमा किया, ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, समझिए, बस प्रिंसिपल है, ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल है। बैंक कहता है कि हम आपको 1 ईयर में इस 100 रुपये अगर आप जमा अपने खाते में रहने देंगे तो हम आपको 10% का इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये। तो मतलब एक ईयर के बाद जो आपका 100 रुपया था वो कितने बदल जाएगा? 110 रुपये में। ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखो, ये चीज़ समझ में क्लियर हो गई ना? देखो, अब कुछ चीज़ें समझना। 1 साल बाद ये 110 क्या हुआ? इसे कहते हैं हम अमाउंट, 110 अमाउंट हुआ। इसके पहले, अमाउंट बनाने से पहले हमने क्या किया था? 100 प्लस 10, 10 क्या था? ये सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक ने दिया ना हमको, ये जो 10 रुपये दिए ना इसने, 10 रुपये जो बैंक अपनी तरफ से दिए, ये सिंपल इंटरेस्ट दिए। किस पे दिए? जो प्रिंसिपल, जो हमारा, जो हमने जमा किया था 100 रुपये, 100 रुपये प्रिंसिपल था प्लस SI इक्वल टू क्या बनता है? अमाउंट। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो अमाउंट कैसे बनता है वो क्लियर हो गया, ठीक है आपको। चलो अब देखो, SI होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकला कैसे? 100 रुपये हमने जमा किए थे, बैंक कह रहा था हम 10% देंगे, ठीक है, कितने? 1 साल के लिए। ये क्या है? SI 10 रुपया। फॉर्मूला क्या लगा? प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम, 1 साल का ये टाइम था ना, अपॉन 100। क्लियर हो गया? फॉर्मूला आ गया, निकल गया कैसे? फॉर्मूला क्या निकला? SI का फॉर्मूला क्या निकला? PRT अपॉन 100। जो हमने जमा किया पैसा, बैंक ने जितना रेट दिया, कितने टाइम के लिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल। क्लियर है? अब इस हम प्रिंसिपल जो हमारा था उस पे SI जो निकला उसको हमने ऐड कर दिया, हमारे पास क्या बन के आया? अमाउंट। 1 साल के बाद हमारे पास क्या होगा? अमाउंट होगा, ना कि प्रिंसिपल होगा। SI जब उसमें ऐड हो जाता है, जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो उसे कहते हैं अमाउंट, ठीक है। इससे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ना कोई झाम ना ताम, सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज और समझ लीजिए आप,
पहले ईयर में जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 10% का, ठीक है, आपका 10 रुपया बना है, ठीक है, दूसरे साल, तीसरे साल, 10वें साल भी आपको 10% ही इंटरेस्ट देगा वो, और आपका 10 ही रुपया बनेगा, जबकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चलिए कंपाउंड, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि पहले साल का 10 रुपया बना है, और 10 अगर 10वें साल में भी जाएंगे तो 10 ही रुपया बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। रेट उनका वही रहता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं चाहे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका 10वें साल पे 10 रुपया नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपको 10 ही रुपया पहले साल मिलता है और आखिरी साल भी आपको 10 ही रुपया मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें निकल के आई यहाँ पे, पहला फॉर्मूला हमें मिला SI=PRT अपॉन 100, अमाउंट बनाएंगे तो P प्लस SI करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, साहिल टू का लोन फॉर 6 ईयर, हमारे पास टाइम मिल गया है 6 ईयर, रेट रेट मिल गया है सिक्स, कितना, 5, सॉरी चलो भाई 5%, ठीक है, पर एनम, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिल गया कितना, 1230। निकालना क्या है, प्रिंसिपल पी निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है SI=PRT/100। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हमें पी निकालना है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट हमें उसने बता दिया है 1200, 1230 = P हमें निकालना है, आर हमारे पास कितना है 5% इंटू टाइम है 6/100, ठीक है, क्लियर है। चलो आप कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिलेशन कुछ जाएगा 30 × 5 30, 6 6 से काटते हैं 205, 4 5 से काटते हैं 41, 41 इंटू 100 P=2 आ जाएगा 4100, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये SSC 2013 में CGL में आया हुआ है, जो क्वेश्चन ने लिया था ना ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो चलो ये देख लेते हैं क्या दिया हमारे पास। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, पी हमारे प्रिंसिपल दिया हुआ है 7000, रेट हमारे पास है 50/3, ठीक है, परसेंट, और टाइम हमारे पास है 9 मंथ, ठीक है। अब दो तीन चीजें आप देखो, पहला टाइम ईयर में नहीं है, ये मंथ में है, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। फॉर्मूला वही है हमारे पास, SI=PRT/100, क्लियर इतना, लेकिन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, टाइम हमारे पास मंथ में है। तो क्या करते थे हम, कभी भी कुछ कन्वर्जन करते हैं तो अगर मान लीजिए कुछ भी अगर ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, मान लो 100 ग्राम है, कितना केजी होगा, 100 ग्राम है ये, कितना केजी, इसको करते क्या, केजी में चेंज करने के लिए 100/1000 कर देते हैं, बड़ी डिजिट डिवाइड करते हैं, तो 9 मंथ है, इसको नियर बदलने क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। मंथ में कितने मंथ का, एक ईयर होता है 12 मंथ, है बस उससे उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। चलो सॉल्व करते हैं, पी हमारे पास 700 है, सॉरी 7000 है, 50/3 ये हो गया, 50/3 इंटू 9/, क्या करना है हमें, 12 करना है, क्वेश्चन हो गया खत्म, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा। कैंसिलेशन कर लेते हैं, 52 जा ये गया, 3 से ये 3 टाइम गया, ये 3500, ये 4 टाइम, 25 इससे कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, ये जाएगा कुछ 8 बार, 75, 875 वी हैव, यस वी हैव, ठीक है,
इसमें नया क्या था, नई चीज़ में क्या सीखने वाली थी, वो ये चीज़ थी, टाइम कभी भी मंथ में दिया गया हो तो उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो ये टाइप 3 है, इसमें क्या हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फाइनल इंटरेस्ट निकालना है, PRT अपॉन 100, जो फॉर्मूला कहता है, ठीक है। हमारे पास दिया क्या है, P दिया हुआ है 2000, R दिया हुआ है पास 25/4%, ठीक है। टाइम, फिर यहाँ एक नया है, टाइम देखिए 4 फेब से लेके 18 अप्रैल तक दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ टाइम केस में है, डेज में है। चलो एक नई चीज़ और आई सीखने को, डेज में जब दिया गया होता है तो किससे डिवाइड करते हैं, 365 से, अगर लीप ईयर है तो 366 से, 2005 है, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, तब यहाँ पर 366 लेते हैं, अगर ये 4 से डिविजिबल होता है, ये डिविजिबल नहीं है मतलब लीप ईयर नहीं है, तो इसको 365 से डिवाइड करेंगे। टाइम निकालने के लिए फरवरी जो होगी वो 28 की होगी, 31 का मार्च होगा, प्लस 30 की अप्रैल होगी, ठीक है। लेकिन फरवरी में जो है 4 फरवरी के बाद लेंगे, मतलब 24 दिन ये हो गए, क्लियर है, बाकी 31 दिन पूरा मार्च होगा, और अप्रैल में सिर्फ 18 दिन, ये चीज़ क्लियर है, तो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे ख़त्म, यह आ जाएगा 3 6 7, हाँ 73 डेज हम लेंगे। चलो फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूले पुट करते हैं, SI निकालना है हमें, और P हमारे पास कितना है, 2000 है, इनटू रेट हमारे पास 25/4 है, ठीक है, और डे हमारे पास है यहाँ पे 73, हमने कहा क्या कहा भी, 73 अगर डेज हो तो उसको डिवाइड किससे करते हैं, 365 से, क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। इसको बस कैलकुलेशन पार्ट है, चलिए कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 73 5 जा हो गया, 25/4 जा हो गया, ठीक है, 5 से ये काट देते हैं, 400 हो गया, ये 100 हो गया, फिर 4 से 25, SI इज इक्वल टू 25, ठीक है। नई चीज सीखने वाली क्या थी, ये चीज, अगर डे दिया गया हो, दो तीन चीज नोट कर लीजिए आप, मैंने पहले बताया था, मंथ दिया गया हो तो 12 से डिवाइड कर देना है, अगर डेज दिया गया हो तो 365 से डिवाइड करना है, अगर लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। चले आगे, चलो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, सचिन बोरो 5000 फॉर 2 ईयर 4% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। सचिन ने क्या किया है, बोरो किया है कितना, 5000 2 ईयर्स के लिए, और जो रेट उसको लग रहा है वो 4%, ठीक है। ही इमिडिएटली लेंड मनी टू राहुल, देखो ये सचिन ने किसी से इस शर्तों पे पैसे लिए, 500 रुपये किसी से लिए, 5000 लिए हैं, सॉरी 500 रुपये लेने वाली चीज़ है ले रहे हैं तो कुछ बड़ी रकम लें क्यों, ठीक है। 5000 उसने उधार लिया किसी से, मान लो कोई एक्स था, उससे उसे उधार लिया, 5000 लिया, कहा भाई 2 साल में मैं आपको 4% इंटरेस्ट से आपको वापस कर दूंगा, तो एक्स ने कहा ठीक है। राहुल, सचिन जो थे बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया, राहुल को उन्होंने यही 5000 दे दिया उधार, ठीक है, राहुल को दे दिया, ठीक, यही सचिन ने 5000 राहुल को दे दिया, ठीक है। लेकिन उसने होशियारी ये की, 2 साल के लिए ही दिया, लेकिन इंटरेस्ट जो था वो 25/4% लगाया, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देखो यही लोग करते हैं, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको देखने को मिलता है, आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, आप कहते हो मैं 4% में आपको दूंगा, आपने वही उधार किसी और को दे दिया, कहा भैया मैं तुमसे 5% लूँगा, तो 1% का जो फासला आ रहा है, ठीक है, उस फासले को कौन कमाने वाला है, आप कमाओगे ना, सचिन कमाएगा। तो वही यहाँ पूछा गया है, फाइंड द गेन ऑफ 1 ईयर बाय सचिन, सचिन ने 1 साल में कितना फायदा कमाया, ठीक है। पहले सचिन का देखते हैं, सचिन ने को कितना देना है, PRT अपॉन 100 लगा रहे हैं हम, तो सचिन का जो इंटरेस्ट देना है उसको फाइंड द गेन, ठीक है, हाँ
कितना कटेगा, 5, 10, 40 1,000 है भाई, तो 8, 2, 0, 50, 100, 400। सचिन को 400 देना है, लेकिन राहुल से उसे कितना लेना है ये देख लो आप। राहुल को उसने दिया है कितना, 25/4%, 5,000 इंटू 2 ईयर, लेकिन ये जो रेट है वो कहीं ना कहीं उसने बढ़ा दिया है। होशियार राहुल, सचिन बहुत है, ये आपको दिख रहा होगा। सॉरी, 25 है, 2 साल के लिए दिया है, 25/4 इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब ये 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया, 25 6 25। अब देखो सचिन को देना है 400 मिस्टर एक्स को, जिसने उससे लिया था, ठीक है। सचिन ने राहुल को दे दिया, अब राहुल को वापस करना है इसको 625 रुपये, लेकिन सचिन को वापस करना है 400। मतलब देखो 625 माइनस 400, ये जो 225 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये किसने कमाए, सचिन ने कमाए। यही हमारा आंसर होगा, 225 रुपये एक्स्ट्रा उसके उसने इंटरेस्ट के रूप में उसने कमाए, ठीक है। 225 तो नहीं है ऑप्शन में, क्या कह रहा है, फाइनल फाइंड द गेन ऑफ, ओके ओके। देखो एक चीज़ और समझो, ये 2 साल में, ये 2 साल का है, ये 225 जो है ये 2 ईयर्स का है। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द गेन ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का, इसका आधा 1 साल में कमाया होगा उसने, 1 1 2.5, ये होगा हमारा आंसर, ये है। हाँ बिल्कुल है, 1 साल में 112.50 रुपी जो सचिन ने एक्स्ट्रा कमाए, जो राहुल को ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के उसने कमाया। वही क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली, ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है ये एसबीआई पीओ के प्री से 2016 के प्री से उठाया था मैंने, ये वहाँ का है, ठीक है। देखिए बैंकर्स के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इटसेल्फ इन 15 ईयर। तो इस तरह का जब सम, सम मतलब क्या, अमाउंट, अमाउंट क्या है, 4x है, ठीक है। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x, तो एस आई निकाल सकते हैं यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। अब हमारे पास अमाउंट 4x है, पी क्या हमारे पास एक्स माना है हमने, एस आई यहाँ निकल सकता है, एस आई कितना हो जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, 4x - x = si, ये इधर ले आए तो एस आई इक्वल टू क्या होगा, 3x। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, फॉर्मूला यही कहता है। अब हमारे पास एस आई भी है और पी भी है, एस आई हमारे पास क्या है, 3x इक्वल टू एक्स हमने प्रिंसिपल माना है, रेट हमारे पास नहीं है, जो रेट हमें पता करना है, फाइंड द रेट, रेट हमें पता करना है, उसको आर ही रखते हैं। टाइम हमारे पास है 15 साल का अपॉन 100, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 3 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 520, आर इज इक्वल टू 20%, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दो आई क्वेश्चन और भी आगे लेंगे हम, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कभी भी आपको ये दिया गया हुआ है, सम आपको दिया 4 टाइम्स, बस 3x एक घटा लो, ठीक है, ये 3x इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, 3x। देखो सम 4 टाइम दिया हुआ है, 3x इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हमेशा एक्स मानना, आर आर टी 100, बस सिंपल सॉल्व कर लो यहाँ से, ये 5 टाइम 20 टाइम, आर इज इक्वल टू 20%। वन लाइनर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन और देखते रुक जाओ, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, डबल मतलब जो अमाउंट है वो 2x है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा x था, एस आई क्या होगा, एक घट जाता था हमेशा, क्या हो जाएगा, ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारे पास 2x है माइनस x, एस आई इक्वल टू क्या आ गया, x, ठीक है, एस आई x आ गया, ठीक है। x इक्वल टू प्रिंसिपल हमने क्या माना है, x, r हमारे पास क्या है पता करना है हमें, ठीक है। टाइम हमारे पास 8 साल का है अपॉन 100, x x कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 100/8, ये कुछ आ जाएगा 12.5, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं,
इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। कभी भी सम दिया हो, सम डबल है ट्रिपल है, अच्छा मान लो यहाँ दिया होता, हमेशा एक कम करके ले लो। देखो जब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 टाइम्स था, तो ऐसा ही हमारा क्या हो गया था, 3x। इसमें क्या है, डबल एक्स मतलब 2x, ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। प्रिंसिपल हमेशा एक्स रखना, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट जो है, जो भी डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है, बस एक घटा के तुम्हारा वो इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। सिंपली आप वही PRT/100 फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास। सम ऑफ 12,500 अमाउंट था हमारे पास टू बी, अच्छा द सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट टू बी 15,500 इन 4 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास ये था, कितना दिया हुआ है, 12, ये था 4 साल बाद, टाइम हमारे 4 साल है, ठीक है। में जो प्रिंसिपल था वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया अमाउंट में, इंटरेस्ट लगने के बाद कितना आ गया, ये आ गया। हमें रेट पूछा है, रेट फाइंड करने को पूछा गया है, निकाल सकते हो यहाँ से। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, यहाँ से SI निकल जाएगा। प्रिंसिपल आपको पता है 15,000 इक्वल टू प्रिंसिपल है 12 प्लस SI, SI इक्वल टू इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 12, 2 0 ये गया, 1 0 ये गया, SI इक्वल टू 3,000। कुछ नहीं, आपको रेट निकालना है, आप निकाल सकते हो। अब देखो SI इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला कहता है, ठीक है। 3,000 हमारे पास SI निकल के आया, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। रेट हमें पता करना है, टाइम हमारे पास कितना है, 4 ईयर का, अपॉन 100, ठीक है। और 2 0 इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा, 25 टाइम, 5 से काटा, ये गया 6 टाइम, 600 हो गया, 6 × 100 है ये 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल हो गया, रेट आ गया आपका 6%, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल सा बस है, फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ था SSC में, SSC में, ये CGL 2014 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, वहाँ से उठाया था मैंने, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी अलग है, ठीक है। क्या कह रहा है, रीमा टुक अ लोन ऑफ 1200, 1200 का लोन लिया विथ सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है, फॉर एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये कहने का देखो, पूरा क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी लाइन में है, एज मेनी ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम के बराबर है, मतलब जितने साल के लिए लिया है और रेट भी वही है, उतना ही परसेंट रेट लगा है। शी पेड 432 एज अ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो उसने पे किया है 432 पे किया है। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 1200 उसने लिया है, ठीक है, और रेट जो है वो टी है, मतलब रेट है जो टी के बराबर है, या टी इक्वल टू रे आर लिख लें, आर इक्वल टू टी लिख लें, खत्म हो गया क्वेश्चन। SI इक्वल टू PRT/100 होता है, हमसे फाइंड करने में क्या कहा गया है, यहाँ पे रेट फाइंड करने को कहा गया है, तो रेट टी इक्वल टू आर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, जब टाइम और रेट एक ही है तो दोनों को कोई एक वैल्यू रख लें, तो हमारे पास SI इक्वल टू P×R×R हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। SI इक्वल टू PR², टाइम भी क्या कहा गया, एस मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर यहाँ पे जो है वो टाइम के बराबर है, खत्म हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा SI/P=R², ठीक है। SI हमारे पास कितना है, कितना था, SI/P आ जाएगा, ओके ओके, यहाँ गलती कर गया, 100 भी तो होगा, 100 भी तो होगा, तो यहाँ पे 100 होगा, तो ये SI जो होगा यहाँ पे 100 आएगा, तो ऊपर आएगा क्या आएगा, SI हमारे पास कितना है, 432×1200, ठीक है, 0 0 कट गया, ये जाएगा कुछ
36, ठीक है 36 आएगा। यहाँ कर लेते हैं आर इसको स्क्वायर इज्कल टू 36, आर इज्कल टू 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, हमेशा ये क्वेश्चन, ये बैंक का क्वेश्चन है, ये बैंक में आया हुआ था, आईबीपीएस 2015 के आईबीपीएस के प्री में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लग रहा है लेंदी, लेंदी है नहीं, है बिल्कुल सिंपल सा था, बस आपको ये लाइन आपको समझनी थी, जो एज मेनी एज ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितने साल के लिए उसने लोन लिया है उतना वो रेट के बराबर है, मतलब आर इज्कल टू टी कर देना है बस। ये टाइप फाइव था, टाइप फाइव या सिक्स टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन, चलिए अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, देखिए ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट क्या दिया हुआ है, 2240, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, एंड 26 इन 5 ईयर। दूसरा अमाउंट जो हमारे पास है यहाँ पे वो दिया गया है 2600 5 ईयर्स के लिए। अब एक चीज़ आप समझो, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज्कल टू पी प्लस एस आई, देखो अमाउंट इज्कल टू पी प्लस एस आई होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ये तो सेम रहेगा, ठीक, एस आई वेरी करता है, क्योंकि पहले साल 10 होगा, फिर अगले साल 10 जोड़ के और जो, तो ये 20 हो जाएगा, फिर अगले साल 30 हो जाएगा। वेरी क्या कर रहा है, एस आई कर रहा, ना कि पी आई। तो अगर इसमें देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए, 5 ईयर का जो था, 5 ईयर का जो था कितना दिया हुआ है, 226, और 3 ईयर का जो दिया हुआ है वो हमें 2240। डिफरेंस निकाल ले तो ये आ जाएगा कुछ 336, और यहाँ से 5 में से 3 घटाएं, सॉरी ये 2 ईयर का था, 2 ईयर्स हटाएं तो 3 ईयर्स। अब ये क्या निकला, 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट था 360 था, जो डिफरेंस निकलेगा इन सब में से, क्योंकि पी जो है वो सेम है और सिर्फ एस आई वेरी कर रहा है, तो सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट जो है 360 रुपये, ये बात समझ में आती है। तो 1 ईयर का कितना होगा, 360 / 3 कर देंगे तो 120। 1 ईयर का जो एस आई है वो 120 है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। हमसे पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा है, देखो 2 ईयर का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2240। अभी मैंने क्या कहा, अमाउंट जो होता है उसमें पी आई प्लस एस आई होता है, एस आई 1 साल का 120 है, 2 साल का कितना होगा, एस आई अगर एस आई 1 ईयर का 120 है तो 2 कर देंगे तो 2 साल का निकलेगा 240। अब यहाँ पे अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है ये, ऐसा ही हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो 2240 इक्वल टू पी प्लस 240, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर से माइनस होगा 2000, ठीक है। अब एक चीज़ और सोचो, 2 साल का 1 साल का ऐसा ही हमारा निकला था, अगर हम इसको इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, सोचना ये तो दूसरी चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इसको 5 करेंगे तो ये आएगा 600, 5 साल का करेंगे तो 600 आएगा। अगर इससे निकालेंगे, ये 2600 अमाउंट है, 5 साल का हमारे पास इंटरेस्ट 600 है, अगर यहाँ से 600 डिफरेंस निकालेंगे 2000 ही निकलेगा, जो हमने यहाँ पे अभी निकाला है, मतलब प्रिंसिपल हमारा 200 ही है। सिंपल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, बस करना क्या है, आपको जो अमाउंट 5 ईयर का था और जो 2 ईयर का था डिफरेंस निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस, मतलब 2600 और 2240 डिफरेंस निकालेंगे, 360, 360 ये 5 साल, 2 साल के बाद पाँचवें साल तक 2600 हो गया, जो 2240 था वो 5वें साल तक 2600 हो गया, 360 बढ़ा, ये 360 क्या बढ़ा होगा, इंटरेस्ट बढ़ा होगा, मतलब 3 साल का जो एस आई है वो 360 है, तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर कितना होगा, 360 / 3 करेंगे तो 120 होगा। अब कुछ भी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर ये लेते हो तो 1 साल का 120 है, 2 साल का कर लो 240, 240 इससे अमाउंट में से, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है, 2 साल का एस आई निकला, अमाउंट ये हमारे पास है, इससे इसे माइनस कर लो, पी निकल जाएगा। अगर इससे निकालना चाहते हो तो 120 इंटू 5 कर लो, 600 आ जाएगा। अब यहाँ से 2600 से 600 माइनस कर लो, 2000 आ जाएगा, बात वही है, पी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो चलो क्या कह रहा है, ₹800 ने बिकम 596 इन 3 ईयर, मतलब प्रिंसिपल जो हमारा है वो 800 है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर ये अमाउंट बना कितना, 5 सॉरी
1996, ठीक है, 3 ईयर के बाद, ठीक है, 3 ईयर्स के बाद। अब देखो रेट ऑफ, अच्छा हमें रेट नहीं बताया गया। इफ़ द रेट इंटरेस्ट इज इंक्रीज 4%, वट वट अमाउंट विल बी, ठीक है ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो भी रेट था यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला था, ठीक है। आर जो भी यहाँ पे था, जो भी प्रिंसिपल और टाइम ये था जो पहले दिया है, इस पे आर जो यहाँ लगा है उस पे 4% आर बढ़ा दिया जाए, तब हमारे पास अमाउंट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। देखो पी हमारे पास अमाउंट क्या कह रहा है, अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। अब पी क्या है, 800 है, एस आई हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। अमाउंट हमें दे रखा है 956, ठीक है, तो एस आई यहाँ निकलेगा कितना, 156। अब ये 3 साल का एस आई निकल गया, ठीक है, 3 साल, तो अब यहाँ रख लेते हैं 156 एस आई हो गया। पी हमारे पास 800 दिया हुआ है, आर हमें निकालना है, टाइम 3 ईयर है, और इसको 0 से, ये इससे से कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 552। आर इज़क्वल टू क्या आ गया, 52/8, या इसको और कैंसिल कर लें तो 26/4, हाँ ये भी 2 से और कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये आ जाएगा 13/2, ठीक है, ये रेट है। अब ये जो रेट निकल गया है वो 13/2 निकल गया। अब आगे क्या क्वेश्चन से कह रहा है, 4% इसी रेट को बढ़ा दें, 13.2% है, इसमें 4% और बढ़ा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 21.2% आ जाएगा। अब इस रेट के साथ वही प्रिंसिपल लगाएं जो पहले था 800, और ईयर ये लगाएं तो हमारे पास अमाउंट क्या बनेगा। चलो रख लेते हैं एस आई इज़क्वल टू 800 है, इंटू 3 है, और इंटू 21/2, 100। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 क्या 52, ये आ गया एस आई। हमसे पूछा क्या है उसने, अमाउंट पूछा, अमाउंट इज़क्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज़क्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई हमने कितना निकाला है, प्रिंसिपल 800 था, एस आई हमने निकला है 252, ये आ गया हमारे पास 152, ये हो गया आंसर, ये इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए हर कोई, हर तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की है, अमूमन सिंपल इंटरेस्ट के जितने क्वेश्चन थे सब यहाँ पे वाइंड अप करने की कोशिश की है। अगला पार्ट जो लेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही रिपीट होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको कर पाएंगे। फिलहाल इस चैनल, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ज़रूर कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के थे वो सारे यहाँ पे हमने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।